हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग सही होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको शेयर करवा रहा हूँ हरियाणा के खेतों की। आज मैं अपने फार्म हाउस में आया हूँ, काफ़ी समय के बाद आना हुआ यहाँ पे, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी जो है विज़िट करवा दूँ। आप जो ये मेरे पीछे देख रहे हैं पीली पीली, ये जो है ये सरसों है, एक विशेष किस्म की ये जो है फसल है। इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है मुझे, क्योंकि मैं बहुत कम आता हूँ अपने फॉर्म में। तो ये कुछ देखिए, इस पे जो है फली लगी होती है जिसके अंदर सरसों के दाने निकलते हैं, ग्रेनुलस निकलते हैं, जिससे जो है मस्टर्ड ऑयल बनता है, तेल बनता है। हरियाणा में कुछ फसल होती हैं जैसे कि सरसों, कपास, धान और जो है गेहूँ, ये चार मुख्य फसलें हैं हमारे हरियाणा की, तो ये यहाँ पे पैदा होती हैं। तो आज काफ़ी समय के बाद आना हुआ। देखिए, लगभग लगभग 6 फीट से ऊपर की हाइट है इनकी, लगभग 5 फीट 4-8 इंच के आसपास, 9 इंच के आसपास तो मेरी हाइट है, मैं मुझसे ऊपर ऊपर की हाइट की हैं ये। अभी तो और बड़ी होनी है इन्हें, अभी बड़ी होंगी। तो विशेष किस्म है ये, हमारे पिताजी ने तैयार की, तो अच्छी ही होगी। जब हमारे पिताजी हैं तो उन्होंने तैयार की है तो अच्छी ही होगी। तो ये आप देख सकते हैं, वो उनका आना होता है रिटायरमेंट के बाद, आजकल वो जो है फॉर्म संभालते हैं। और आज मेरे साथ में लिटिल किड्स भी आए हुए हैं, वो थोड़े दूर मस्ती कर रहे हैं, और हमारे मैडम भी हैं, वो आप देख सकते हैं वो आ रहे हैं जो आज साथ में हमारे। और इधर दोस्तों आगे जो है एक ट्यूबवेल पे टैंकी हुआ करती थी, अभी भी है, लेकिन अभी थोड़ी जो है उसकी कंडीशन ठीक नहीं है। हम लोग जब छोटे थे तो आते थे तो यहाँ पे ट्यूबवेल पे नहाने वाने का काम होता था यहाँ पे, इधर जो बनी हुई है आगे। और इधर जो है ये हमारे यहाँ पे पशु रहते थे पहले, आजकल तो कोई गाय भैंस नहीं रखते हैं हम लोग। पहले यहाँ जो है गाय भैंस रखते थे इन मकान के अंदर, और उधर जो है उधर ट्यूबवेल लगा हुआ है, नीचे अलग से जो है गेहूं की फसल लगी हुई है, तो आप लोग भी देख सकते हैं। और ये हाय हेलो किड्स, ये एक छोटा किड्स हमारा लिटिल मास्टर, कैसे हो? हेलो करो, हेलो सबको हेलो करो हमारे व्यूअर्स को। तो आज संडे के दिन ये भी मस्ती करने के लिए यहाँ आए हुए हैं, फुल मस्ती चालू है। एक वो उधर अभी भटकता हुआ आ रहा है, एक आत्मा और आ रही है, वो देखिए भटकती हुई आत्मा, ये दिखाई देंगे वो रहा। हेलो बोलो, हेलो कैसे हो? कैसे आगे बैठ, कैसा विजिट किया? आगे चलें तो यहाँ पे देखिए खरगोश वगैरह भी आपको दिख जाते हैं। अभी फेंसिंग का काम चल रहा है चारों तरफ में फेंसिंग, क्योंकि यहाँ पे जो है नील गाय का बहुत प्रकोप है। नील गाय यहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज में रोज बोला जाता है उनको, रोज वो आ जाते हैं और फसल फिर उन्हीं की होती है, वही जैसे खेल अपने करते हैं रात को जो भी खेल होता है उनका। तो उनसे बचाने के लिए, इन सरसों को और इस गेहूं की फसल को बचाने के लिए फेंसिंग का काम अभी चल रहा है। तो आज संडे को मैंने सोचा मैं भी ज़रा विज़िट करके आता हूँ, देख के आता हूँ। तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा ये हरियाणा के खेत, कैसे लगे। और आगे जो कोने पे कभी हम लोग यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए आते थे, क्रिकेट का ग्राउंड हमने बना रखा था इधर नीचे, तो ये देखिए ये फेंसिंग का काम अभी चल रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, चारों तरफ जो है फेंसिंग लग चुकी है, तो अभी ये जो है सुरक्षित रहेंगी फसल। तो अभी आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट करके कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।